भूपेश की माँ, ये भूपेश की माँ का बात है प्रकाश के बाबू जी ले गए घर में आके देखता हूँ तो दोनों के दोनों लड़का नहीं है वो कौन जड़ी कौन डर गए थे प्रकाश के बाबू जी हाँ वो मन कपड़ा और साबुन लेके ना तरिया में नहा भर गए हैं ले देखे अहंकार स्कूल जाके वक्त हो गए और लड़का मन अभी तक के आए नहीं है कौन जानी कौन मेरे का कर रखे थे भाई सुना था प्रकाश के बाबू जी हाँ मैं बोरिंग में पानी भरे भर गए रही ना हाँ हाँ ते हमार गाँव के दाई बहनी मन गोठियात रहा प्रकाश के बाबू जी का कहातरीन वो कहातरीन है कि तुम्हार का भूपेश और प्रकाश के नाम अति कच्चा व्यवहार है कोई भी काम तैयार बिना तुम्हारे जल्दी मान जाते कहातरीन सही बात है भूपेश की माँ हमार दोनों बेटा में अतका माया है अतका प्रेम हवे कि वो दोनों जन एक दूसरे के बगैर रह नहीं सके हाँ। घर जाते ना ते संगे संग जाते और संगे संग आते वो हाँ। यही पाई के गाँव मन को ठियावत हुई देख तो इधर हके लड़का मन ला एवं भाई नहीं एक दोस्त के समर रही थे और कई गल बहुत हथियार थन काम कर थन इले जरूर मन कर दे के गोठियावा तो ही हाँ प्रकाश के बाबू जी ले देखे मैं तोला का बात तो बतिया रहा गोठा 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 बाड़ गे वो का बात है बात ऐसा ने हाँ। मैं काली मालिक घर गे रहना हाँ। तो मालिक मल कहा त्री से डोखरा ओ खेत के पार फूट गएगा मोंगा हो गए गड्ढा हो गए ओ गड्ढा तो दिन पाट देवे और मेड़ ला बरोबर रच देवे कहा त्री से अब का है हाँ। मैं एक जन जाऊँ ना तुम एक दिन के काम है दो दिन धरी और ते और मैं जाऊँ ना दो दिन के काम एक के दिन में हो जाए भाई प्रकाश के बाबू जी हाँ। ये तो अच्छा के बात है ले तुम्हारा पल धरो मैं जाऊँ धरो ले चल मोर खेती खाए मुझे पर भौरा ना चे छूं छूं जर के आवे मोर भौरा रे जर के आवे मोर भौरा रे ये देखा था खेत मन ला ये जतका खेत दिखा थे ना वो खेत सब मालिक घर के खेत हरे भूपेश के माँ प्रकाश के बाबू जी हाँ ए मालिक के खेत तो बड़े बड़े हरे प्रकाश के बाबू जी हाँ भूपेश के माँ ये खेत में आता हूँ और सुबह से लेकर के शाम तक के काम करता हूँ तब जाके पेट भर खाना मिलते भूपेश के माँ बात ऐसा ने ये डिफरेंस के मार्जिन में खपट खपट के जहाँ में जोड़ा जाऊँ ले 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 के गड्ढा में पाटा जावे है ना ले ठीक है तू मान जाओ ठीक है मैं जरा Oh, my God.
ये भूपेश के माँ हाँ तो वो हाँ हाँ काए ले ना ये काम लगा लो करके आ गए फिर लेके मन तो अभी तक के आए नहीं है कौन जाने कौन मेरे का कर रहे थे भाई प्रकाश के बाबूजी हाँ वो मन गली में गिल्ली डंडा खेलत है कि बाटी बाहर खेलत है जाओ मैं किन्हीं बुला के आते हैं कितने में है ये लेके मन लटका होते ही अटका होते ही कतक बड़ी स्कूल जाने के कौन जाने कहते रुक के छैया में घर के छैया में फौरा बाटी खेल भुला के लेके कैसे कर हाँ जब कर मन सुंदर खाना बना के तैयार रख मैं लेके मन जल्दी बुला के ले आवत हूँ ले ठीक है जल्दी आ जाऊँ ठीक है तुम चिंता मत करो जल्दी ले आता है ना हाँ वाह अरे लेके अभी मतलब कौन गली कौन चौराहा में खोजल तो समझ नहीं आ लेके मन हला कर डरते परेशान कर डरते ए भूपेश ए प्रकाश अरे कहां रे ले देखे बाबूजी हर एक नजर नहीं देखे त रोज सबरे सबरे चिल्लावत रहते ले देखे भैया बाबूजी फिर से चिल्लावत आवत है प्रकाश हेलो ए प्रकाश अरे कहां हंस रहे ओय ला काच रे कान में टका के दुनिया वही चिल्लात रिथस कहां जात हस गा कहां जाऊं बेटा तुम इज बोला तो खोजे बर निकले हो कोनो में कहां जाबो तिन में बाबू हां बाबूजी ओ वैसन बात न है बेटा तुम्हार मां है ना तुम ला खोजे बर भेजी से ऐसी बात है बाबूजी हां बेटा तो लेट नहीं करे चल जल्दी चल सुंदर भजन चले लेट हो बड़ा सुंदर लगत रही से ऐसे लगत रही समा कि हम दिन भर टीवी ले देखत रहते हैं और बार बार सुनत रहते हैं का वाह लेकिन का करबे माँ जैसे हमर मन में स्कूल जाके ख्याल आगे ना तो हमन घर आगे माँ हाँ बेटा अच्छा कस बेटा हाँ गा ओला तुमन जानतो बेटा हाँ बाबूजी बता ना बेटा बाबूजी वाह हम तो जेन बात ना सुन लेथन ना गा ओला तो वहा दिमाग में बैठा लेथन बाबूजी हाँ बेटा हाँ गा और जेल ला देख लेन ओला तो नहीं भुला सकन बाबूजी ओइसने किसम के बेटा जन बात का तुम्हार गुरुजी पढ़ाते लिखाते समझाते ना वो बात ला अपन दिमाग में कंठस्थ कर लो अपन दिमाग में बैठा लो ना तहन तुमन बड़े बड़े साहब बनो बेटा बड़े बड़े नौकरी वाले बनो ऐसे बात है बाबू बाबूजी ते नहीं जानस का मैं तो वहां रोज के मन लगा के पढ़तूंगा हां बेटा और जानत है बाबूजी मैं भी ना एक दिन पढ़ लिख के नौकरी करूं का करबे बाबूजी मैं भी नौकरी करूंगा अच्छा नौकरी करबे हां गा हां तो बेटा भूपेश हां का नौकरी करबे बेटा वाह वाह मैं तो वहां डॉक्टर बनूंगा हां बाबूजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं डॉक्टर बन बे ना हां तहन मोरे दे हाल भोसबे रे बिल्कुल बाबूजी ओके गा बाबूजी हां बेटा मैं कम से कम स्कूल चपरासी में जरूर लगूं बेटा प्रकाश अगर तहु मन लगा के पढ़वे ध्यान लगा के पढ़वे बेटा तो हम बड़े जन साहब बिल्कुल कोशिश कर लेकिन एक ठन बात है बाबू का बात है हमारे घर के बारे में हमारे गांव के मन को ख्याल रखेगा का कहते बेटा हमारे घर ले प्यार के मंदिर की थे बाबू जी लेकिन हमारे घर में कोने जगह छोटी सी मंदिर नहीं है इसलिए कब रोज थे बाबू जी अच्छा ये बात है हाँ बाबू बेटा प्रकाश इला तुम समझ नहीं सके बेटा हाँ बाबू बात ऐसे बेटा प्रकाश जैन घर में सलाह सुनता मया दुलार रही थे जी हाँ कबू लड़ाई झगड़ा नहीं हो बेटा
ऐसा घर ला प्यारे मंदिर कहे जाते ऐसे बात है बाबूजी। हाँ बेटा बाबूजी बस एक क्रेज खातिर बार हमारे घर ला मंदिर कथेगा। हाँ बेटा ओह बाबूजी आज अपन घर के बारे में सुन के जान के बहुत सुंदर लगे बाबूजी। हालांकि हमारे घर एक छोटे से झोपड़ी के समान हवे लेकिन हमारे तत्काल आठ प्यार देते हमारे गांव के इंसान हर जो ये झोपड़ी समान हमारे घर है जिला एक मंदिर के नाम दे दे बाबूजी। सही बात ये तो सब तोर संस्कारेगा ओकर वजह से हमारे तक सुंदर मान सम्मान और पाए मेवर मिला थे हमारे गाँव में। मैं चाहते रहे बाबू जी जब तक हमारे चारों परिवार एक घर में जिंदगी लगो जार बोना अरे तब तक हमेशा घर ला एक मंदिर ही बना के रखोगा बेटा भूपेश। मोर यही आशा है बेटा ए इच्छा है लड़का हो ये घर में सदा सलाह सुनता बना के रखो मैया दुलार बना के रखो रे लड़का हो। हाँ बाबूजी कभू लड़ाई झगड़ा मत हो मोर बेटा होगा। बेटा प्रकाश ये बात ना सदा ख्याल रखना बिल्कुल बाबूजी। लेकिन बेटा प्रकाश एक क्षण का कहत रहे बेटा। अच्छा भजन। हाँ हाँ भजन भजन वो भजन ना सुना देते हो बेटा कि हमार मन की बोझ हल्का हो जाते ठीक है बाबूजी। बेटा भैया तो जेल ना हम टीवी में सुने ना चल ना माँ और बाबूजी ला सुना दे। प्यारा है अपना घर द्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार कभी घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे होगा। बस बेटा बस बस चलो चलो स्कूल समाप्त स्कूल चलो हमें स्कूल नहीं जा काबर का गुरुजी रोज के क्लास से बाहर निकाल देते काबर जानते समा काबर बेटा भूपेश की ठन पुस्तक नहीं लवा है आज तक मुझे फीस जबनी हो है माँ। हाँ माँ ओहो बेटा हाँ माँ तो वही नहीं कितेगा माँ हमला पैसा की जरूरत हाँ माँ हमला दोनों भाई ले 1000 रुपए चाहिए माँ। बेटा 1000 बाबूजी 1000 बेटा प्रकाश अभी घर में तो पैसा नहीं है बेटा। अच्छा अभी मैं मालिक के घर में काम कर बढ़ जाऊँ और जब शाम के वापस आऊँ ना मैं तुम्हारे मन और पैसा मांग के लिए आऊँ बेटा पक्का बाबूजी जरूर लाऊँ। लेकिन एक ठन बात है बाबूजी का बात है जिससे भी काम करे बार मालिक के घर में जाते हमला जरूरी रही थी उसका रुपया ला था बाकी रुपया ला मालिक के घर में जमा रख देते। हाँ बात तो सही है बेटा बाबूजी पैसा बहुत ज्यादा हो गयी बोला टोटल हिसाब करवा के घर में ले आते और पैसा से कोनो जगह छोटे मोटे जमीन खरीद के खेती बाड़ी तो कर सकते लगा। हाँ बाबूजी भैया सही बात ला कहा थे मान लो रुपया में हमन कोनो में छोटे से भी खेत ला ले लेबो ना तब वो खेत में हमन दोनों भाई हर छुट्टी के दिन जाबो और वहाँ मन लगा के काम ला करबो ना तो हमारे घर में खाएबर अब बड़क ले अनाज हो जाए बाबूजी अते मालिक घर ले और पैसा कमा के लानबे ना वो हमारे घर के कोई दूसरा खर्चा में लग जाये फिर देखबे बाबूजी हमन बड़ा सुंदर जिंदगी ला गुजारबोगा हे रोज की रोज एक एक दाना बर तरसत रिथन एक एक रुपया पैसा बर तरसत रिथन ये गरीबी जो है हमारे घर से हमेशा हमेशा बर दूरिया भगा जाएगा। हाँ बाबूजी वह हरे लड़का हो आज कद का सुख घर के गोठ ले आज मोर सामने में रखे हो बेटा भूपेश प्रकाश जैन बात ला मैं तुम्हारे सामने में बोल नहीं सकते हूँ बेटा वो बात ला आज अपन बाप के सामने में खुल के कह डर लिखता हो खुल के कह डर बेटा भूपेश प्रकाश मैं तुम्हारे मन के बात तक कभी उल्लंघन नहीं करूँ बेटा मैं मालिक के घर में जाऊँ और मालिक से मोर कमाई के पूरा पैसा ही ठीक है बाबूजी। हाँ बेटा तो हमें जा ठीक है बेटा चल जाओ चल जाओ वो हरे लड़का हो आज कस घर के गोठ लाज मोर सामने में रखे हो लड़का हो तुम्हारे जैसे बेटा पाके आज मैं धन्य होगा बेटा तुम्हारे बात तो सुनता हूँ आज मोर भूख मिटा जाते बेटा भूख मिटा जाते
भूपेश की माँ, आज लेके मले देख कतकस तू घर के बात ला, आज हमारे सामने में रखे भूपेश की माँ, पढ़ाई लिखाई से यही फायदा होते, आज लेके मल हम समझाते हैं, लेकिन लेके मन आज हमला समझाते हैं भूपेश की माँ, मैं उनके मन के बात ले कभी उल्लंघन नहीं करूँ, मैं मालिक के घर में हिसाब लेकर जाता हूँ, तुमन घर में रहू ना, ले ठीक है जल्दी आ जाऊँ, चिंता मत कर मैं जल्दी आता हूँ। दौलत से परिपूर्ण धन दौलत के बदौलत एक गांव में इतना दर्द बिगड़ के रखे हो कि कोई भी सियान मोर से ऊंचे आवाज से बात करके जुर्रत नहीं कर सके। एक गांव में का पूरा मोर इलाका में अरे जब भी कबसरा थे पहले मन्नू दाव से मिलते ओकर बाद और ड्यूटी करने मिलते, लेकिन हाँ आजकल के नौटंकी मन के बहुत दिलते अरे कोई भी नौकर लगा थो बैला फुसला के कुदा दे थे, एक जन मरा प्रयास चाल रखे नौकर वो न जाने का काम करते का नहीं घर में जाके पता करना चाहिए कागा राम साहब ये राम साहब फर्ज बनते काबर आपके घर में काम करता हूँ आपके नमक खा तो मालिक वो पाए की आपके पैर में झुक जाता मालिक जो काम कर रहे हो गए मालिक वो काम ने मैं पूरा कह डाले हूँ और एक ठन काम लेके आया हूँ काम लेके हाँ। अरे फिर का काम लेके आया मालिक मैं आपन के पास काम करके जो पैसा रखे हूँ वो पैसा के हिसाब करके पूरा पैसा दे देते हूँ मालिक आप मन ये काम करते पैसा की हिसाब हाँ हाँ। तो पैसा की हिसाब तो कालीज करके लेके अरे कालीज तो हिसाब करके लेके होगा मालिक कल मैं आप मन के पास में आया और आप मन बोले कि मालिक मुझे 1,000 रुपया चाहिए बोले आप मन के मैं कहीं बाहर गए हैं पैसा सिर आगे करके कल के मतलब 500 रुपया दे हो कैसे पागल सन बात करता सियान अरे तो खाली 500 नहीं पूरा 50,000 दे भाई नहीं मालिक कल मैं 50,000 नहीं बल्कि 500 रुपया दे हो मालिक 500 हमेशा काम धाम में गलत रहता जी अरे तो याद गलत भुला जो हो अरे मैं तो याद दिला देता हूँ सुबह आए मुला कहे का काम करूँ दाऊ जी के तो मैं तो काम बताए जब शाम को वापस घर में आना तो फिर मुला कहे दाऊ जी मुला पैसा के सच सच जरूरत थी तो यार जितना दिन ले काम करे हो ना वो पूरा हिसाब किताब कर देते कहे के नहीं तो क्लियर हिसाब करके ना आप मतलब पूरा 50,000 दे हम सर और तू तो धक्का दे हम कल मेरे 50,000 नहीं बल्कि 500 रुपया दे मालिक 500 आर्टिस्ट ने सियान खड़ा हो जी और तोर बार गलत पक गए सियान के साथ साथ ना ये तो दिमाग देना सटिया के है बोला पैसा देते सुरता नहीं बनियाद करते कहो इस मालिक मैं जरूर बुढ़ा हो गया हूँ मोर बाल जरूर पक गए लेकिन मोर दिमाग सही सलामत है मालिक कल मेरे 50,000 नहीं बल्कि 500 रुपये दे मालिक 500 रुपये नहीं पूरा 50,000 दे भाई मालिक मैं तो हाथ जोड़ तुम्हारे यार अरे तुम और यहाँ बहुत दिले गला नौकर रहे जी अरे हो सकते काम करत कर तो मन भर गए तो मतरा मोर नौकर अरे छत्तीसगढ़ी में कहावत है पाव रही ना ते कोनो पन के गाल ले ये मालिक और यहाँ पैसे रो सत्र तात कुल नहीं मालिक ऐसे मत करो मालिक अच्छा तोर कमाए के इच्छा है तो जान भाई कमावे तोर कमाए को मना करत होता लेकिन मोर पैसा के हिसाब करके दे अरे साहब करके दे दे राम साहब ते का पर बहुत सा झंझट करता जी लेकिन काले मोर 50,000 नहीं बल्कि 500 रुपये दे मालिक 500 रुपये भगवान अरे पूरा गांव जानत
नाथ जी के मन्नू दाव कैसा आदमी तेला अरे पचा पाई पाई के साथ गरीब ले देने वाला इंसान है तेर पर ते लांछन लगाता डोकरा तो हम बड़ा विचित्र आदमी मालिक मैं तो हाथ पर मालिक और पैसा के साथ पर दे दे मालिक ऐसे मत कर मालिक आते बड़ा कलाकला में ये सही सको श्याम दे काम कलर भाई दे मोर घर से प्रेम से निकल जा ये तोरो भलायरा सा ऐसे मत कर मालिक मालिक मैं तो हाथ पर मालिक मोर पैसा के साथ पर दे दे मालिक दे दे मालिक मैं तो हाथ पसीना की कमाई के पैसा है मालिक मोर मेहनत की पैसा है मालिक मोर पैसा के हिसाब करके दे दे मालिक मैं तो हाथ जोड़ तो पांव पर तो मालिक दे दे मालिक अरे तो किरग्रेव गले मोला हाथी आथे रे अरे मन्नू दा को करो पैसा गिर के जमे से टाइम के हलावा कहां आराम से देते वाले मिले कहके नमक राम देते वाले के तो हाथ पैसा के इतना डर रहा अरे कथे ना राम से जैसे के हाथ जोड़ थे और पांव पर थे ना ये पांव पर लात नहीं वाले को तो नहीं तुम वो तो निर्दय नहीं हो तो राम से तोला पैसा दूर रे ना तो छोक न रे ये दे गड्डी वाला रे राम से जो वाले को तो हाथ वाले किसी को गरीबी ना दे मौत दे के मगर बदनसीबी खराब मोर दुआरी से अभी हट जाए नहीं तो इन पैर के गड़िया तो हूँ ये गांव कोई थारी बना थे बाबूजी का हो गए बाबूजी का स्थिति बना के रखे बाबूजी आज ये तो आँखी में आंसू बाबूजी कहीं तो तबीयत खराब तो नहीं है बाबूजी का हो गए बाबूजी ते काबर हुआ था सत्य का परेशानी तो लगा का हो गए बाबूजी तुम लोग कौन से बात सब बता रहे मोर लड़का हो कहा हो गया आज मैं तुम अरमन के बाद समान के आज मैं मालिक के घर में हिसाब ले बर दे रहा हूँ बेटा आज मैं मालिक के हिसाब मांगे हो कल मेरा 500 रुपया ले दे रही तेरे लड़का हो आज 50,000 रुपये दे हो करके घर से धक्का मार के निकाल कैसे बात करता बाबूजी मालिक हमारे साथ में इसने कैसे कर सकते बाबूजी बेटा धक्का मार के निकाल दो रे मालिक अरे आज तक तो हम अपन भगवान से बढ़ के मानत रहे अपन जीवन दाता अपन अन्नदाता समझत रहे मालिक खबर खबर के चला गरीब इंसान हरन कम से कम तो क्षेत्र चाहिए हम रह के हम खुशी से जीवन तो मिले है करके लेकिन वाह मालिक वाह अरे देख आज ये तो इंसाफ ला जय इंसान हर बचपन से लेकर आज बुढ़ा अवस्था हो गया लेकिन तो रंगना नहीं छोड़े सेवा करे भर आज मोर बाबूजी ना अपन घर से धक्का मार के निकाल दे से मालिक बाबूजी हमार लक्का पता बाबूजी कि मालिक हमारे साथ में इतनी बड़े विश्वासघात कर ली गई है हमन तो
बस यही चाहते हैं बाबूजी कि वो हमारे कमाई के पैसा ले देते, इसलिए अपन जीवन में कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो चिंता मत करगा, केवल पैसा के बारे में सुनता करके रोत रहे तो फिर बनी ही कैसे बाबूजी? कैसे चिंता नहीं करूँ बेटा, कैसे नहीं करूँ रे मोर लड़का, आज मोर मेहनत की पैसा है बेटा, मोर कुल पसीना की कमाई है रे, बेचारा थोड़ा आज मोर पैसा, मोर पैसा आज मिट्टी में मिल गए बेटा, बर्बाद हो गए मोर लड़का, बर्बाद हो गए बेटा। का हुई से बाबूजी? ओ मालिक हमारी गरीब की रुपया लखा गई, बोले जीवन भर वो रुपया काम नहीं आए बाबूजी, ये गरीब परिवार के बद्दुआ बद्दुआ वाला जरूर लेगी बाबूजी। समय के साथ में इंसान ला चलना पड़ता, कोशिश कर सकते हैं समय के साथ में चले बन। मैं तुम लोग कैसे आज के बाद मालिक के घर में कदम मत रख बाबू। हाँ बेटा बाबूजी अंदर ले जा। तो हाँ भैया, ते हमारे घर की स्थिति देखे थे सरा, हाँ। तो बचपन से सपना है कि एक दिन डॉक्टर बन के गांव में जिंदगी जी, ये सपना पूरा करे की जरूर कोशिश करो भूपेश, लेकिन ये सपना पूरा करना है तो काम करना तो जरूरी है ना। हाँ, चिंता मत करो भूपेश, आज के बाद मैं स्कूल पढ़े लिखे बार नहीं चाहूँ, रोज काम करे बार जाऊँ, अब केवल घर मोला संभाल के रखना है भूपेश। जाना था सुना कि बचपन से हम दोनों भाई सपना देखे रहन कि हम लोग खूब मन लगा के पढ़ना लिखना है, अपन माँ बाबूजी के नाम रोशन करना है, गरीबी ला हमारे घर से दूर भगाना है, चाहे अपन जीवन में लाखों करोड़ों तकलीफ आ जाए। और भैया हमारे घर में आज एक छोटे सी पत्नी है आगे, तो वे सारे सपना लगते पल भर में तोड़ देना चाहता भैया, वो भी मोर भर, ताकि मैं पढ़ लिख सकूं, मोर जिंदगी सुधर जाए, और ते हमेशा रोज के रोज घाम प्यास में रोजी मजदूरी करे पर जा सकते, कभी नहीं हो सके भैया, ते जावे स्कूल पढ़े लिखे पर तो मैं भी जाऊं, और ते काम कर में तो मैं भी काम करूं। ओ भाई सब मैं किचन काम करके परिवार ले चलाई के क्षमता रख सकते, का मतलब तो ला काम करी से अर्चन देर मोर पास हिम्मत नहीं हुई दिन तो ला बोल चल भाई, दोनों भाई मिल के प्यार के मंदिर सजाए की कोशिश कर। हमारे जीवन परिवार ले चलाना है तो काम करना तो जरूरी है न माँ, मैं आज के बाद स्कूल पढ़े लिखे बर नहीं चाहूँ, रोज मेहनत मजदूरी करूँ, अभी घर की जिम्मेदारी केवल मोला संभालना है माँ। कैसे बात करता है बेटा, ते तोर पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करे बर जाबे? हाँ। प्रकाश अभी तो तुम्हार पढ़े लिखे के समय हैगा, अभी उम्रच का हो है बेटा, हम तर बाबूजी से मेहनत करबो नगा, तुमन काबर चिंता करथो? ठीक है माँ, ये तोर विचार से बिल्कुल सहमत हो, लेकिन एक ठन मोर बात है, अभी मोर स्कूल के दो चार रोज की छुट्टी है, मैं सोचत रहे हो कौन अच्छा का काम पता करके आ जाते हो, ताकि आने वाले छुट्टी में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हो, ये मोर विचार है इससे माँ। सुंदर बात लाज करे बेटा, अभी कुछ दिन की स्कूल छुट्टी है ना, ठीक है प्रकाश, जाओ कोनो जगह काम मिले ना पता लगा के आऊ, तहन चारो माई पिले जाके वो काम ला कर लो बेटा। ठीक है ठीक है बेटा, तुम जाओ चल।